ओहो, ये रिकॉर्डिंग हुई नहीं इतनी देर तक। नो सर। चलो फिर, ये तो यहाँ पे यही टेंशन है। उस उधर एडमिट करते जाओ, उनपे क्लिक करते जाओ साथ साथ, फिर यहाँ से स्क्रीनें भी चेंज करते जाओ, उधर से रिकॉर्डिंग का भी ख्याल रखो। चलो ये अब इतना पोर्शन रह गया। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है रजिस्ट्री को, बड़ी उसके जो है स्लाइड्स के थ्रू बड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। ये तो मैंने अब इस कोड के जो बेसिकली मैंने जब समझाया था रजिस्ट्री का, तो मैंने यही बताया था कि रजिस्ट्री का जेनेरिक टाइप में इसी तरह यूज है, और उसको फिर किसी भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंप्लीमेंट करना चाहें तो वो पर्टिकुलरली वर्किंग उसकी वही होगी, लेकिन उसको कोड जो है वो अपने हिसाब से आप करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे ये वेब एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्ट्री हमने जो है उसको सेट जो है उसको हैंडल देखा, स्टडी किया, तो यहाँ पे ये रजिस्ट्री का कोड जो है वो हमने देखा था। मेरा ख्याल है इसका काफी है। सिगल्टन के फंक्शन को, मेथड को मैंने देख लिया है, आपको उसके कोड भी एग्जीक्यूट करके दिया है। इसको हम कल देख लेंगे, इसका भी छोटा सा कोड है सिगल्टन का, इसको भी देख लेंगे। और ये लास्ट प्रीवियस पेपर्स के अंदर पूछा भी गया है बार दफा, सिगल्टन का कोड लिख दें या सिगल्टन है क्या बेसिकली। तो वैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि है क्या चीज, नेक्स्ट इसको हम देखेंगे फर्दर। तो आज अब दूसरा जो है टॉपिक हम उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को हमने स्टडी किया था ना, और उसको जो है किया था यहाँ से, जी यहाँ से हमने इसको छोड़ा था। जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं आप लोगों ने बस इसी को स्टडी करना है, और जो चीजें हाईलाइटेड नहीं है जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ ले, देख ले, एग्जाम्पल्स दी हुई है, बॉक्सेस के अंदर भी एग्जाम्पल्स दी हुई है, अदरवाइज रहने दें इसको अगर नहीं है पढ़ना चाहते तो। तो बेसिकली हम स्टडी कर रहे थे क्लाइंट वर्क स्टेशन का जो है टॉपिक चैप्टर स्टार्ट किया था, और वर्क स्टेशन में हमने उसके साइकिल्स देखे थे कि कहाँ कहाँ उसकी जो है स्टेजेस होते हैं, और मोस्टली हमें जो चाहिए होता है ज्यादा टाइम वो कन्फिगर स्टेट में चाहिए होता है। कहता है मैनेजमेंट इज ऑफन ब्लाइंड टू कंप्यूटर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। कंप्यूटर जो मैनेजमेंट होती है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको कुछ नहीं पता होता, खास तौर पे कंप्यूटर की लाइफ साइकिल के ऊपर, जिसमें हमने बताया था कि न्यू है, कन्फिगर है, अननोन है, और उसकी डेथ है या रिटायर्ड है। तो मैनेजमेंट को नहीं पता इस चीज का। मैनेजर्स नीड टू लर्न अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। मैनेजमेंट को तो ज्यादातर यही पता होता है कि मैनेज किस तरह करना है, बजट कितना है, पैसे कितने हैं, वो ये चीजें उनको पता होता है। ये नहीं पता होता कि ये कंप्यूटर ने एक खास लिमिट के बाद जो है इसको खत्म हो जाना है, डेप्रिसिएशन जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग वर्ड में। एसेट डेप्रिसिएशन शुड बी अलाइन विद एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट। हर चीज की डेप्रिसिएशन होती है। जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी है उनको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी चीज होती है उसको बुक किया जाता है, और उसकी एक जो है लाइफ होती है, 4 साल, 5 साल, 3 साल, उसके बाद वो चीज जो है वो डिस्कार्ड कर दी जाती है और नई चीज परचेज की जाती है। तो वो कहता है कि हर इसी तरह कंप्यूटर की भी जो है वो डेप्रिसिएशन होती है, उसकी भी एक लाइफ है। सपोज मोस्ट हार्ड गुड्स आर डेप्रिसिएटेड एट योर कंपनी ऑन 5 ईयर्स स्केड्यूल। अभी मैंने जैसे बताया कुछ चीजें ऐसे हैं जिनकी 5 साल की डेप्रिसिएशन होती है। कंपनीज कंप्यूटर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिटायर्ड एट 3 ईयर्स। नॉर्मली ये तवक्को की जाती है कि ये 3 साल के अंदर जो है इसको फारिग कर दिया जाए। देयर विल बी यू विल नॉट बी एबल टू डिस्पर्स ऑफ रिटायर्ड ऑफ आवर कंप्यूटर टू यूर, विच कैन बी अ बिग प्रॉब्लम। 2 साल के बाद तो आप सोच ही नहीं सकते ना कि इसको खरें, आपके लिए मसला है। तो मॉडर्न वे यही है कि 3 साल होने चाहिए। तो वो कहता है जी कि आपको अगर ये मैनेजमेंट जो है अंडरस्टैंड कर ले कंप्यूटर की लाइफ साइकिल को, और इस मॉडल को आप सिंप्लीफाई कर लें, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसके लिए फंडिंग का इश्यू ही ना हो। मैनेजमेंट कभी ये नहीं कहेगी कि हाँ भाई क्यों पैसे चाहिए आपको कंप्यूटर के लिए, अभी तो पड़े हैं कंप्यूटर। तो फिर वो अगर इस बात को पिक कर ले मैनेजमेंट के, वाकई यार ये इतने अरसे के बाद जो है कंप्यूटर फारिग हो जाएंगे, तो दैट इज बिग जो है कहते हैं रिलीफ फॉर अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक रिलीफ है, उसके लिए डेप्रिशिएट चीजें जो है वो डिप्लॉय करना और रिपेयर करना जो है वो उसके लिए फंडिंग का इश्यू नहीं रहेगा उसको, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को। तो बेसिकली ये इस पैरा में जो है डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो है द बेसिक्स, तीन क्रिटिकल इश्यूज हैं
जो कि इन्वॉल्व होते हैं वर्क स्टेशन को मेंटेन करने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को. फर्स्ट वन इज लोडिंग ए सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन इनिशियली. फर्स्ट कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और उसके कोई भी एप्लीकेशन. दूसरा अपडेट द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन. दूसरी रीजन जो है जी विजिबल है आपके पास स्क्रीन जी सर. अच्छा नेटवर्क का आया था, मैं शायद नेट डिस्कनेक्ट ना हो गया. अपडेटिंग द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन और अपडेशन सॉफ्टवेयर की और एप्लीकेशन की और नेटवर्क पैरामीटर्स जो भी हैं, ये तीन चीजें लाजमी हैं. अगर आपकी साइट इज बी इफ योर साइट इज टू बी टर्न इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर दीज थ्री टास्क शुड बी ऑटोमेटेड फॉर एनी प्लेटफॉर्म दैट इज वाइडली यूज एट यूर साइट. अगर आप चाहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आपका जो है सिस्टम चलते रहे, तो ये तीन जो टास्क अभी डिस्कस किए हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म में, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, प्लेटफॉर्म मीन ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स विंडोज वगैरह, वो ऑटोमेटेड होने चाहिए. ऑटोमेटेड का वर्ड कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, अभी हम फिर देखते हैं. डूइंग दीज थिंग्स वेल मेक्स मैनी अदर थिंग्स टास्क इजियर. अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी बहुत सी चीजें जो है वो आसान हो जाती हैं. इफ योर साइट हैज ओनली फ्यू होस्ट देयर आर यूजिंग अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इट इज डिफिकल्ट टू जस्टिफाई क्रिएटिंग अ एक्सटेंसिव ऑटोमेशन. आपकी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें छोटे से वर्क स्टेशन या कंप्यूटर है या होस्ट है, तो कोई भी प्लेटफॉर्म वो यूज कर रहे हैं तो उसके लिए मुश्किल है ऑटोमेशन को जस्टिफाई करना कि क्यों भाई छोटे से तो कंप्यूटर है, ऑटोमेशन का क्या फायदा है, 10 कंप्यूटर पड़े हैं 20 पड़े हैं तो क्या जरूरत है. लेकिन लेटर एज द साइट ग्रो यू मे विश हैड द एक्सटेंसिव ऑटोमेशन यू शुड हैव इन्वेस्टेड इन अर्लियर. लेकिन अगर आपने शुरू में ऑटोमेशन को अप्लाई कर दिया था और बाद में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती गई तो वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगी. आपने तो कहा कि यार थोड़े से हैं क्या जरूरत है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर गई तो ग्रो कर गई तो ऑटोमेशन का आपको फायदा हो गया. इट इज इंपॉर्टेंट टू रेकोगनाइज वेदर बाय इनिशिएशन यूजिंग बिजनेस प्लान ग्रोथ ऑब्जेक्टिव और मॉनिटरिंग कस्टम डिमांड व्हेन यू आर गेटिंग नियर द पॉइंट. तो लाजमी आपने इस चीज को रियलाइज करना है कि आपके फ्यूचर के प्लान क्या है, बिजनेस जो कस्टमर है उनकी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए आपने ये डिसीजन लेना है और इस पॉइंट को मद्देनजर रखना है कि आप ऑटोमेशन की तरफ जाएं ताकि अगर फ्यूचर में ग्रोथ होती भी है तो आपको उसका जो है इफेक्ट ना हो आपके उस पर. तो ये हमारा था यहाँ तक पहला पॉइंट. अब वो कहता है जी कि लोडिंग ऑटोमेशन को थोड़ा डिफाइन कर. ऑटोमेशन का ये अभी हम करने ही लगे हैं यहाँ पे, ये आगे जो ऑटोमेटेड ऑटोमेशन का वैसे मतलब होता है कि आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो कम से कम यूजर इंटरवेंशन हो. अनअटेंडेड, कल बताया था मैंने, अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन ऑटोमेशन का मतलब कम से कम यूजर की इंटरवेंशन हो और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, वो ऑटोमेटेड कहलाता है. इसी तरह कहता है कि एवरी वेंडर हैज डिफरेंट नेम फॉर इट सिस्टम फॉर ऑटोमेटेड सिस्टम लोडिंग. जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में है ना, उनके पास ऑटोमेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग का सिस्टम मौजूद है, लेकिन उन्होंने नाम डिफरेंट रखे हुए हैं. ये सोलरस जो है उसके पास जो सिस्टम है उसको हम जंप स्टार्ट कहते हैं. रेड हैट जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर किक स्टार्ट. एसजीआई इरिक्स एज रोबो इंस्ट. एचपी एज इग्नाइट यूएक्स. और माइक्रोसॉफ्ट विंडो हैज रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज. ये नाम है जो कि यूज होते हैं. जंप स्टार्ट जो है वो यूज होता है उसके अंदर ऑपरेटिंग लिनक्स के अंदर, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन को जो है वो मैनेज करता है. क्या ऑटोमेटिकली परफॉर्म अनअटेंडेड ऑपरेटिंग इंस्टॉलेशन. ये मैंने यहाँ पे साइट पे लिखा भी हुआ है इस बुक में, जो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी बनती थी वो मैंने लिख दी है यहाँ पे भी है आपके सामने. तो ऑटोमेशन सॉल्व ह्यूज ऑफ प्रॉब्लम, बहुत से मसले हल हो जाते हैं. नॉट ऑल ऑफ देम आर टेक्निकल, सारे तो नहीं है जो कि टेक्निकल है, लेकिन मोस्टली सॉल्व हो जाते हैं. दो चीजें, फर्स्ट ऑटोमेशन सेव मनी. मनी किस तरह, ऑब्वियसली टाइम सेव्ड बाय रिप्लेसिंग मैनुअल प्रोसेस विद ऑटोमेटेड वन इज अ बिग गेन.
सबसे बड़ा हासिल आपका ये है कि जो आपने मैनुअल काम करना था वो ऑटोमेटेशन से जो है टाइम बच गया, तो टाइम इज ए मनी, टाइम बचा लिया, टाइम सेव कर लिया, दैट इज योर बिग अचीवमेंट। तो ऑटोमेशन आल्सो ऑब्विएट्स टू हिडन कॉस्ट, दो कॉस्ट जो है उनसे अवॉइड करते हैं या उससे आपको प्रिवेंट करता है, दो हिडन कॉस्ट जो है कौन से, द फर्स्ट वन रिलेट्स टू मिस्टेक, कोई गलती नहीं होती। मैनुअल काम जितना होगा, मैनुअल प्रोसेस आर सब्जेक्ट टू ह्यूमन एरर, ये सिंपल रूल है। अ वर्कस्टेशन हैज थाउजेंड ऑफ पोटेंशियल सेटिंग समटाइम इन अ सिंगल एप्लीकेशन, एक कंप्यूटर के ऊपर कोई एक एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है वर्क स्टेशन पे, तो उसमें बहुत सी सेटिंग हो सकती हैं। अ स्मॉल मिसकॉन्फिगरेशन कैन बी कॉज अ बिग फेलियर, एक छोटी सी गलती जो है वो बहुत बड़ा फेलियर बन सकती है। समटाइम फिक्सिंग दिस प्रॉब्लम इज इजी, और बार दफा ये मसला आसान कर हल करना आसान है। इफ समवन एक्सेस द प्रॉब्लम एप्लीकेशन राइट आफ्टर द वर्क स्टेशन इज डिलीवर्ड एंड रिपोर्ट इट इमीजिएटली, द एसए विल इजीली कंक्लूड द मशीन। इसका क्या मतलब है, आपने एक वर्क स्टेशन तैयार किया, आपने डिलीवर कर दिया और उसमें कोई मिसकॉन्फिगरेशन हुई तो वो फौरन रिपोर्ट हो गई कि भाई ये इसमें मसला आ रहा है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फौरन उस पर पहुंच जाएगा कि क्या मसला था, क्योंकि अभी डिलीवर किया था और उसको पता चल गया। हाउएवर दीज प्रॉब्लम ऑफन लुर्क अननोटिसड फॉर मंथ्स और इयर्स बिफोर द कस्टमर एक्सेस द पर्टिकुलर एप्लीकेशन, लेकिन बाज दफा और ये भी होता है कि कई महीनों और सालों तक वो मिसकॉन्फिगरेशन नोटिस में ही नहीं आती, उसका पता ही नहीं चलता, कस्टमर ने वो एप्लीकेशन यूज ही नहीं की हुई होगी। एट दैट पॉइंट व्हाई वुड एसए थिंक टू आस्क द कस्टमर इज यूजिंग दिस एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फिर उसके जेहन में ये तो सवाल आते ही है ना कि यार ये क्यों अभी कस्टमर ने एप्लीकेशन यूज किया, साल पहले तो मैंने दिया था, ये फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है इतने अरसे के बाद। तो इस तरह की सिचुएशन में एसए स्पेंड लॉट ऑफ टाइम सर्चिंग फॉर अ प्रॉब्लम, और जो इंस्टॉलेशन में जो प्रॉब्लम आई थी, जो मिसकॉन्फिगरेशन हो गई थी, वो इतनी देर के बाद उसको टाइम बड़ा लगेगा फाइंड आउट करने में, ये मसला हो सकता है। सो ये पहली कॉस्ट थी जो आपको पे करनी पड़ती है अगर आपने ऑटोमेटेड ना किया। दूसरी कॉस्ट है नॉन यूनिफॉर्मिटी, मैनुअल प्रोसेस है ना तो काम एक तरह से नहीं हो सकता, हो सकता है एक सिस्टम पे कुछ किया और दूसरे सिस्टम में आपसे गलती हो के कुछ और काम कर लो, यूनिफॉर्म एक तरह नहीं रहा आपका। इफ यू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनुअली यू विल गेट द सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑन ऑल मशीन्स एवर, व्हेन वी लोडेड द एप्लीकेशन मैनुअली ऑन पीसी वी डिस्कवर्ड दैट नो अमाउंट ऑफ एसए ट्रेनिंग वुड रिजल्ट इन आवर एप्लीकेशन बीइंग कॉन्फ़िगर्ड एग्जैक्टली सेम वे ऑन एवरी मशीन। अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल की है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसने प्रॉपर उसको जो है कन्फिगर नहीं किया था, हो सकता है एक सिस्टम के अंदर कुछ कन्फिगर हुआ एप्लीकेशन और सेम वे में दूसरे में ना हुई हो, सो समटाइम टेक्नीशियन फॉरगेट वन और टू सेटिंग, हो सकता है बार दफा वो भूल भी जाए, एक सिस्टम के अंदर एक सेटिंग करके दूसरे सिस्टम को इंस्टॉल करना था वो कोई सेटिंग भूल गया एक या दो। एट अदर टाइम दैट एंड अदर वे वॉज अ बेटर, तो फिर क्या सूरत है, बेटर यही है कि ऑटोमेटेड होनी चाहिए। द रिजल्ट वाज दैट कस्टमर ऑफन डिस्कवर्ड दैट देयर न्यू वर्क स्टेशन वर नॉट प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड और कस्टमर मूविंग फ्रॉम वर्क स्टेशन टू द नेक्स्ट डिड नॉट हैव द एग्जैक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन फेल्ड, ऑटोमेशन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर आपने मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की हुई थी तो आपने वर्क स्टेशन जब डिलीवर किया तो वो वर्क स्टेशन प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं है और कस्टमर जो है वो एक वर्क स्टेशन से उठ के दूसरे वर्क स्टेशन पे बैठ रहा है, दूसरे से नेक्स्ट पे, क्योंकि उसको कॉन्फ़िगरेशन सेम थी नहीं तो एप्लीकेशन चल नहीं रही, फेल हो गई है। दैट्स वाज अ प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम भी किस तरह सॉल्व हुई, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की जगह आप ऑटोमेटेड करें, यानी कि एक नॉन यूनिफॉर्मिटी जो आपको कॉस्ट बियर करना पड़ रही थी मैनुअल प्रोसेस के अंदर, दैट विल सॉल्व बाय द ऑटोमेशन प्रॉब्लम से जो है वो सॉल्व हो गई है। बी श्योर योर ऑटोमेटेड सिस्टम इज ट्रूली ऑटोमेटेड, आप ये श्योर करना है कि आपका सिस्टम जो है वो ट्रूली ऑटोमेटेड है। तो ट्रूली ऑटोमेटेड के लिए बेसिकली वो क्या करता है,
सेटिंग अप एंड ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन एक दफा आपको करने के लिए एक एफर्ट तो करनी पड़ेगी। हाउएवर इन द एंड द एफर्ट विल पे ऑफ बाय सेविंग योर मनी टाइम दैट यू स्पेंड इनिशियली। लेकिन रिटर्न में आपको जो है उसका पे ऑफ मिलेगा, आपको उसका रिटर्न मिलेगा। टाइम जो आपने इन्वेस्ट कर दिया ऑटोमेटेशन वास्ट के लिए वो तो स्पेंड हो गया, बट उसके बाद आपका जो है उसका पे बैक आपको मिलेगा, आपका मसला जो है वो सॉल्व हो गया। रिमेंबर दिस फैक्ट यू व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड इन द थिक ऑफ सेटअप। आल्सो रिमेंबर इफ यू आर गोइंग टू सेटअप एन ऑटोमेटेड सिस्टम डू इट प्रॉपरली, अदरवाइज इट कैन कॉज यू ट्वाइस अ ट्रिपल लेटर। हाँ, जब आप सेटिंग कर रहे हो ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन की, उसको प्रॉपरली कर लें, ये ना हो कि बाद में आपको डबल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। आपने प्रॉपर की नहीं उसकी ऑटोमेशन को, और बाद में जब आप उसको कर रहे हैं इंस्टॉलेशन को, दैट्स मीन कि वो डबल प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ऑटोमेशन के अंदर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑटोमेशन इज दैट सिंपली इट मस्ट बी ए कम्प्लीटली ऑटोमेटेड, मुकम्मल तौर पे ऑटोमेशन होनी चाहिए उसकी। ये नहीं कि पार्शली ऑटोमेशन हो और पार्शली जो है वो बेसिकली क्या करे मैनुअल आपसे चीजें मांगे, यानी कि पार्शली हो तो दैट वाज नॉट गुड। बट आगे उसने पार्शली को भी डिस्कस किया हुआ है इस बुक के अंदर, वो किस सूरत में जो हमें पार्शली चाहिए। जी अब हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे करते हैं और थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं उसका लिनक्स का। लिनक्स कुछ बेसिक कमांड्स हैं, उनको हम देखते हैं।